Hello everyone, myself Hanuman Jagir, Team Chemistry CLC Seeker. आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं KMDTS का केमिस्ट्री का थर्ड पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और सॉलिड स्टेट केमिकल काइनेटिक्स, न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड सरफेस केमिस्ट्री। इसको अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा पेपर NCERT बेस्ड एग्जाम ओरिएंटेड पेपर बनाया गया है और सारे टॉपिक्स को कवर करने की ट्राई की गई है। ठीक है, करें स्टार्ट। चलिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखिएगा। हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय 10 मोल ऑफ आइडियल गैस इफ इट एक्सपांड्स रिवर्सिबली फ्रॉम इनिशियल प्रेशर ऑफ 8 एटीएम टू 4 एटीएम एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस। देखिएगा, यहां पे आपको बोला गया है रिवर्सिबली है फर्स्ट ऑफ थिंग और कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दो वर्ड दे रखे हैं, रिवर्सिबली एंड कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है। आइसोथर्मल रिवर्सिबल में डेल्टा टी जीरो होगा क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, या फिर डीटी जो होगा स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर वो भी जीरो होना चाहिए, डीटी जीरो। अगर डेल्टा टी जीरो है इसका मतलब डेल्टा ई जो होता है वो होता है एनसीवी डेल्टा टी, डेल्टा टी जीरो है तो डेल्टा ई भी क्या होगा, जीरो होगा, डेल्टा ई जीरो हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप अप्लाई कीजिएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू, तो यहां से डेल्टा ई जीरो हो गया क्यू प्लस डब्लू, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस का डब्लू आ जाएगा। ओके, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास है, तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लेता हूं तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस 2.303 MRT log V2 by V1। अगर ये वर्क डन का फॉर्मूला है तो Q तो माइनस W हो जाएगा, तो Q इज इक्वल टू, Q का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2.303 MRT log V2 by V1 ये हो जाना चाहिए। अगर ये होता है तो देखिएगा, मैं अप्लाई कर रहा हूं क्या डेटा दे रखा है अपन को, अपन को बोला 10 मोल आइडियल गैस है 8 एटीएम से 4 एटीएम तक, मींस प्रेशर दे रखा है। ओके, प्रेशर के टर्म्स में अगर बात होगी तो आपको मालूम है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होता है, तो V2 by V1 इज इक्वल टू P1 by P2। ये फॉर्मूला अब आप याद रखें, वर्क डन का फॉर्मूला यहां पे वैल्यू पुट कीजिएगा 2.303 ये दे रखा है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 27, ये दे रखे 10 मोल, आर की यूनिट मतलब वर्क डन की यूनिट देख लीजिएगा जूल में है, तो आर की वैल्यू 8.314 होता है, उसे 25/3 ले लीजिएगा जूल में, टेम्परेचर 300 है, लो इनिशियल प्रेशर 8 और फाइनल प्रेशर 4 ये दे रखा है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 100, ये हो गया 1000 इंटू 2.303, ये हो गया 1000 मिला के कैंसिल आउट होने के बाद, ये 25 है, ये 0.2 होता है 0.3, ये हो जाएगा 0.69 मींस 0.7 के अप्रोक्सीमेट मान लीजिएगा इसे, इतना जूल आएगा 17,500 जूल के आसपास आना चाहिए। इसके नियरेस्ट आंसर जो है वो देखिएगा ये रहा 17, ये रहा देखो 1.728 इंटू 10^4, इसको अगर आप लिखोगे तो इसको लिखोगे 1.75 इंटू 10^4 जूल, ये लीजिए यही है, बाकी कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ओके, तो फर्स्ट ये हो गया, ये था रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस जिसको अपन ने कंप्लीटली डिस्कस किया। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। करेक्ट फॉर मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, आपसे ये पूछा गया मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए क्या करेक्ट है,
पैरामीटर दे रखा है ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में क्या रिलेशन होना चाहिए। मोनोक्लिनिक के लिए ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा एंड गामा 90 होगा बट बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 होगा। ये पैरामीटर करेक्ट होते हैं। सात क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसमें से मोनोक्लिनिक के लिए ये करेक्ट है। तो आपको ये चेक करना है कि ये कहां पे है, तो मोनोक्लिनिक के लिए ये सेकंड इज करेक्ट। ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा गामा 90 एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू 90। ओके, ये तो हो गया किसके लिए, मोनोक्लिनिक के लिए। ट्राइक्लिनिक सिस्टम अगर है तो ट्राइक्लिनिक सिस्टम के लिए ए बी सी भी इक्वल होता है, सॉरी ए नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ये हो गया मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। क्यूबिक सिस्टम से आप भली भांति परिचित है, क्यूबिक सिस्टम के लिए ए बी सी भी बराबर होगा, अल्फा बीटा गामा भी बराबर होगा और वो किसके इक्वल होगा, 90 के। बात करें टेट्रागोनल, ठीक है, टेट्रागोनल के लिए ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा बराबर होगा, 90 के इक्वल होगा। ऑर्थोरोम्बिक के लिए बात करें, ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है, 90 के इक्वल होता है, ठीक है। रोम्बोहेड्रल के लिए अगर बात करें तो रोम्बोहेड्रल के लिए ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी बट अल्फा बीटा गामा इक्वल तो है बट नॉट इक्वल टू 90। और हेक्सागोनल के लिए, ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 90 एंड गामा इज इक्वल टू 120। ये 7 क्रिस्टल लैटिस हो गए और इनके 14 ब्रेविस लैटिस होते हैं वापस। ये 7 क्रिस्टल लैटिस के लिए पैरामीटर हो गए ए बी सी एंड अल्फा बीटा गामा में करेक्ट रिलेशन क्या होगा। अपना आंसर सेकंड हो गया मोनोक्लिनिक के लिए, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं, एक रिएक्शन दे रखी है, ए प्लस टू बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, ए की कंसेंट्रेशन दे रखी है, बी की कंसेंट्रेशन दे रखी है, रेट ऑफ द रिएक्शन दे रखा है, आपसे पूछा है करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द रेट लो, ठीक है। एक तो सिस्टमेटिक तरीका है कि आप जो है वो तीनों की इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन 1, 2, 3 आएगी, फिर डिवाइड करना है, ऐसे करते हुए चलना है। अपन ऐसे नहीं करते, डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ भी है इस टाइप का, तो अपन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे अप्रोच करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। देखो यहां से यहां आया फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, क्या ए की कंसेंट्रेशन चेंज हुई क्या? नो, ए की कंसेंट्रेशन चेंज नहीं हुई है, बी की कंसेंट्रेशन को किया आपने डबल, तो 2 की पावर कंसेंट्रेशन मींस आपने कंसेंट्रेशन किया डबल तो 2 की पावर क्या लगाए, मैंने कहा बीटा लगा दी जाए, ओके इज इक्वल टू यहां पे रेट 36 और यहां पे होगी 1.2। बी केयरफुल, 10^-2 है, यहां पे 10^-1 है। अगर इनको 10^-2 बनाओगे तो यहां 12 आना चाहिए या 96 आना चाहिए, ओके तो 6 से रेट हो गई 12 मींस डबल होगी, कंसेंट्रेशन को डबल किया तो रेट डबल हो गई। 2 की पावर बीटा इज इक्वल टू 2 मींस बीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1। ये लो बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर बनाएगा, नेक्स्ट बात करें इन दो ऑब्जर्वेशन को ले लीजिएगा सेकंड से थर्ड, ए को क्या डबल तो 2 की पावर क्या लगाए, मैंने कहा अल्फा लगाओ इज इक्वल मल्टीप्लाई, बी भी हुआ डबल तो 2 की पावर बीटा लगानी चाहिए और बीटा की वैल्यू कितनी है, 1, बीटा की वैल्यू 1 है तो रेट कितने टाइम्स होगी, 12 से 96 इज इक्वल टू कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, ये हो गया। अगर ऐसा है तो 2 की पावर अल्फा इज इक्वल टू 4 तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा, अल्फा 2 बीटा 1 मींस रेट लो जो आएगा ए स्क्वायर बी मींस थर्ड इज करेक्ट आंसर, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार आए हुए, 3-4 बार आ चुका है, ठीक है। चले आगे, समझ में आ गया, ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। लास्ट 10 ईयर की अगर मैं बात करूं नीट के अंदर, ये इस क्वेश्चन का जो ट्रेंड है वो लगभग 2 से लेकर 3 बार आ गया है, ठीक है। 19 में भी था, 20 नीट में भी था,
विच रिएक्शन अकर्स विद द ग्रेटेस्ट इंक्रीज इन एंट्रोपी। आपको ये देखना है कि किस रिएक्शन में इंक्रीज इन एंट्रोपी मैक्सिमम हुआ। अगर एक मैं जनरलाइज वे में बात करूं तो एंट्रोपी जो है वो नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट के साथ इंक्रीज होती है। फर्स्ट ऑफ थिंग, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज मींस एंट्रोपी इंक्रीज होगी। सेकंड नंबर, वॉल्यूम इंक्रीज होगा मींस रैंडमनेस करने के लिए उसे स्पेस ज्यादा मिलेगी तो भी एंट्रोपी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर ज्यादा मिले तो उस कंडीशन में भी एंट्रोपी इंक्रीज होती है। आपको बस ये तीन फैक्टर ध्यान रखने हैं, इसी के अकॉर्डिंग होगा। और एंट्रोपी का जनरल ऑर्डर, गैस का एंट्रोपी ज्यादा होता है फिर लिक्विड का एंड सॉलिड का। तो नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होना चाहिए किसका? गैस का। चलिए, इधर गैस का मोल 0, इधर गैस का मोल 3, तो यहां पे गैस के मोल 3 से इंक्रीज हुए, मींस डेल्टा एन जी यहां पे 3 है, ठीक है। सेकंड नंबर रिएक्शन में अगर मैं बात करूं, 2NO और इधर है तो यहां पे 0 से इंक्रीज हुआ, यहां पे एक मोल है, यहां पे भी एक मोल है, 0 से इंक्रीज हुआ, यहां पे दो मोल है, इधर भी दो मोल है, इधर 0 से इंक्रीज हुआ। गैस के मोल इंक्रीज कहां पे हुए? फर्स्ट रिएक्शन में। तो आंसर इज फर्स्ट, एंट्रोपी जो होगी वो मैक्सिमम कौन से केस में इंक्रीज होगी? फर्स्ट वाले केस में इंक्रीज होगी। ओके, चले आगे। ये एंट्रोपी का बेसिक कंसेप्ट है जो आपको एग्जाम में हेल्प करने वाला है। चलिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड एज मॉलिक्यूलर सॉलिड। चार टाइप के सॉलिड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। मॉलिक्यूलर सॉलिड उनको बोलते हैं जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो वो वीक फोर्सेस हो, वीक वंडरवॉल फोर्स या फिर वीक वंडरवॉल फोर्स या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। आई टू के अंदर एक तरीके से बोले तो डिस्पर्जन फोर्स है, लंदन फोर्स है, तो आई टू जो होगा वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो जाएगा। कार्बोरंडम, एल्यूमिनियम नाइट्राइड एंड डायमंड, ऑल थ्री आर कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। ये तो सारे कोवेलेंट सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड इसमें से कौन सा हो जाएगा? I2। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। एक रिएक्शन दे रखी है आपको, वापस 2A गैस प्लस B गैस कन्वर्ट 3C गैस में, -dA/dt is equal to K1 into A, dB/dt is equal to K2/A, dC/dt is equal to K3 into A, करेक्ट रिलेशन बिटवीन K1, K2 एंड K3, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर कभी भी ऐसी रिएक्शन लिखी हुई आए, मैं आपको एक जनरलाइज रिएक्शन लिख के बात करता हूं। अगर एक ऐसी रिएक्शन लिखी हुई आए, N1A कन्वर्ट हो रहा है N2B प्लस N3C में, इसका रेट कांस्टेंट जो है, रेट कांस्टेंट जब मैं A के टर्म्स में रेट को डिफाइन कर रहा हूं, तो इसका सपोज कीजिएगा K1 है, इसका K2 है, इसका K3 है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ध्यान रखें, अपन देखो यहाँ पे जस्ट एक एग्जाम चल रहा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ आपको एग्जाम में क्या अप्रोच करना चाहिए था उसी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, कोई सिस्टमेटिक मेथड की बात नहीं कर रहे। रेट कांस्टेंट K1, K2, K3 दे रखा है, तो इनमें एक जनरल रिलेशन ये होगा K1/N1 इज इक्वल टू K2/N2 इज इक्वल टू K3/N3 हो जाए। ओके, ये होना चाहिए। आइएगा वापस, क्वेश्चन ये दे रखा था तो उसके अकॉर्डिंग K1/2 होना चाहिए इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू K3/3। LCM अगर आप 6 लेते हो तो 3K1 इज इक्वल टू 6K2 इज इक्वल टू 2K3, ये आएगा। आंसर इज थर्ड। ये सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं, ये एक सिस्टमेटिक तरीका हो गया, इसे अप्लाई करना है, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। बोला कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? पेप्टाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन, बिल्कुल सही है, ये जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज करेक्ट स्टेटमेंट। पेप्टाइजेशन, कोगुलेशन जो होता है वो कोलाइड का जो है वो एक तरीके से सेटल डाउन करवाना होता है, जबकि पेप्टाइजेशन में फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट से कोलाइड का फॉर्मेशन किया जाता है। तो पेप्टाइजेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ कोगुलेशन इज करेक्ट। ब्रेडिक आर्क मेथड इज यूज्ड फॉर
प्रिपरेशन ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर सॉल। गोल्ड एंड सिल्वर सॉल के लिए अपन कौन से मेथड को प्रीफर करते हैं? ब्रेडिक आर्क मेथड को। ये भी करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट। गोल्ड नंबर इज द रिलेटेड टू प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लियोफिलिक कोलाइड। एक्चुअल में लियोफिलिक कोलाइड जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, और लियोफोबिक कोलाइड जो होते हैं उनका कोगुलेशन हो जाता है, तो उसको प्रोटेक्ट किसके थ्रू किया जाता है? प्रोटेक्टिव कोलाइड। और प्रोटेक्टिव कोलाइड किसको बोलते हैं? लियोफिलिक कोलाइड। और इसी से रिलेटेड है क्या? गोल्ड नंबर। तो गोल्ड नंबर इज द रिलेटेड टू प्रोटेक्टिव पावर ऑफ लियोफिलिक कोलाइड। ये भी करेक्ट है, ये भी। लास्ट दे रखा है टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल इज मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। ये इनकरेक्ट है। टिंडल इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब लेमडा, जो आप लाइट यूज कर रहे हो उसकी वेवलेंथ, उसके डायमीटर के अप्रोक्सीमेट क्या हो? इक्वल हो फर्स्ट ऑफ थिंग। एंड सेकेंड नंबर, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स जो होगा डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम का, उसमें डिफरेंस जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए, तभी क्या होता है? टिंडल इफेक्ट शो होता है। तो ये कंडीशन रॉन्ग है। तो मैंने टिंडल इफेक्ट की कंडीशन भी बोल दी है आपको, तो वो भी आप ध्यान रहे। ये पेप्टाइजेशन आपको सब मतलब मेन पॉइंट जो था पेप्टाइजेशन क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ब्रेडिक आर्क मेथड क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। चले आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ऑफ द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर साइन ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव। वर्क डन का साइन पूछ रहा है पॉजिटिव। देखिएगा, वर्क डन होता है केमिस्ट्री में माइनस पी डेल्टा वी, ये होता है माइनस पी डेल्टा वी। अगर सपोज कीजिएगा दो कंडीशन है, एक्सपांशन हो रहा है मींस डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 है, एक्सपांशन हो रहा है इसका मतलब सिस्टम ऊपर जा रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय सिस्टम होगा, और वर्क डन बाय द सिस्टम होगा उस समय डेल्टा वी पॉजिटिव होगा तो वर्क डन नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे भी बोला जा सकता है वर्क डन बाय द सिस्टम तो नेगेटिव, और डेल्टा वी लेस देन 0 आ जाए, डेल्टा वी लेस देन 0 आ जाए उस समय वर्क डन जो आएगा वो बाय द सिस्टम होगा, सॉरी वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव, ठीक है। आपसे पूछा है कि किसमें पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब वर्क डन ऑन द सिस्टम होना चाहिए, मींस वॉल्यूम क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। देखिएगा, H2O सॉलिड से जब आप H2O गैस में जाते हो, H2O सॉलिड से H2O गैस में जाओगे, वॉल्यूम इंक्रीज होने वाला है, तो यहां पे वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा मींस डेल्टा वी ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा इसका मतलब नेगेटिव आएगा, नहीं बैठेगा यहां पे। ये एक स्पेशल केस है, H2O सॉलिड अगर कन्वर्ट होता है H2O लिक्विड में, आपको आइडिया है कि सॉलिड H2O सॉलिड जो होता है डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड की। अगर आइस की डेंसिटी कम है इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ आइस ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ आइस ज्यादा है इसका मतलब ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ गया, इसका मतलब डेल्टा वी लेस देन 0 आएगा, और ऐसा हुआ तो वर्क डन कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। अपना आंसर तो सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, गैस के मोल इंक्रीज हो रहे, अगर गैस का मोल इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम गैस का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड के, मींस वॉल्यूम इंक्रीज की टर्म्स में चल रहा है। ये लो, यहां पे 2 मोल गैस के है और यहां पे टोटल 4 मोल गैस के है, तो यहां पे भी डेल्टा वी जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, और अगर ऐसा है तो 3 केस में वर्क डन नेगेटिव आने वाला है, सेकंड वाले केस में वर्क डन कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ओके चलेगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में, इन द फॉर्मेशन ऑफ H2O फ्रॉम H2 एंड O2 इफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज 4 ग्राम पर सेकंड then rate of formation of H2O is, अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, H2O का फॉर्मेशन करना है आपको H2 और O2 से, ठीक है। अपन जनरली ये बोलते हैं रेट ऑफ H2 अपॉन स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इज इक्वल टू रेट ऑफ H2O डिवाइड बाय 2। इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है क्वेश्चन में O2 का, तो मैंने इसको यूज भी नहीं लिखा, लिखा भी नहीं, ठीक है।
अगर ऐसा है तो यहां से रेट ऑफ H2 और O2 क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। तो लोगों के दिमाग में यही आता सीधा स्टूडेंट के मन में, अच्छा उसकी 4 ग्राम दे रखी तो 4 ग्राम टिक कर देना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा नहीं, आपने रेट की डेफिनेशन पढ़ रखी है, चेंज इन कंसंट्रेशन फर्स्ट ऑफ थिंग, या तो कंसंट्रेशन या फिर मोल हो या फिर क्या होना चाहिए प्रेशर, कहीं पे भी मास नहीं लिख रखा है। ये तीन ही टर्म्स होनी चाहिए जनरली, कि रेट जो होता है वो चेंज इन कंसंट्रेशन मोल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम होता है। तो यहाँ पे तो रेट जो दे रखी है वो मास में दे रखी है, इसको सबसे पहले अपन किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे। चलो मोल में कन्वर्ट करते हैं, तो रेट ऑफ H2 जो आएगी वो क्या आएगी, H2 का 4 ग्राम पर सेकंड दे रखा है तो 2 से डिवाइड कीजिएगा, 2 इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2, तो ये आ जाएगा 2 मोल पर सेकंड, मींस रेट ऑफ H2O भी क्या आएगी, 2 मोल पर सेकंड आएगा। ये लीजिएगा, क्या 2 मोल पर सेकंड दे रखा है क्या, नहीं, आंसर वापस ग्राम पर सेकंड में दे रखे, तो इसका मतलब मोल को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई किया जाए, मॉलिक्यूलर वेट है 18, तो ये मल्टीप्लाई करते ही हो जाएगा 36 ग्राम पर सेकंड, 36 ग्राम पर सेकंड मींस आंसर इज थर्ड, आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट देखिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड और जो एग्जाम ओरिएंटेड है, सबसे इंपॉर्टेंट बात एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते उन्हीं को अपन ने सेलेक्ट करके दिया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर, बिल्कुल क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। एन आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या, डिफरेंट डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफरेंट आती है तो उसको बोलते हैं अपन क्या, एन आइसोट्रॉपिक। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इररेगुलर होता है, इसलिए उसमें डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू होगी वो सेम आएगी, इसलिए नॉन क्रिस्टलाइन आइसोट्रॉपिक होते हैं और क्रिस्टलाइन एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो ये तो करेक्ट है। ग्लास इज कंसिडर्ड ए सुपर कूल्ड लिक्विड, एमोरफस सॉलिड है ग्लास, और ऐसा कंसिडर किया जाता है कि एक लिक्विड है जिसे अपने हाई वेरी लो टेम्परेचर पे क्या कर रखा है, कूल्ड कर रखा है, इसलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड बोला जाता है। क्वार्ट्ज ग्लास इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, नो, ग्लास अभी मैंने बोला एमोरफस सॉलिड है, नॉन क्रिस्टलाइन है, तो कैसा भी ग्लास हो क्वार्ट्ज ग्लास जो होगा वो कैसा होना चाहिए, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनकरेक्ट पूछा है तो वो तो यही हो जाएगा। फोर्थ, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए डेफिनेट एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, बिल्कुल इनका मेल्टिंग पॉइंट एक फिक्स होता है, इनकी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन मींस गलन की एंथैल्पी जो होती है वो भी एक फिक्स अमाउंट होती है, ठीक है। तो ये तीन स्टेटमेंट करेक्ट थे, थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो आंसर हो गया थर्ड। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11, द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ ए लिक्विड एट 500 केल्विन एंड 1 एटीएम प्रेशर इज 10 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलो, ये पर मोल दे रखी है और पर मोल पे लेटेंट हीट नहीं होती, वो एक्चुअल में एंथैल्पी होती है, तो एक तरीके से डेल्टा एच आपको दे दिए, वेपोराइजेशन में हीट देनी पड़ती है तो प्लस साइन ही आएगा इसका। ये लीजिए ये डेटा की बात, व्हाट विल बी द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग वेपोराइजेशन ऑफ 3 मोल, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये 3 मोल 5 मोल जब लिखा हुआ है इसको एक बार के लिए भूल जाए, आप 1 मोल के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। चलिए अपन को मालूम है एक फेमस रिलेशन है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये है ये फेज, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, डेल्टा ई बोलो डेल्टा यू बोलो एक ही बात है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उसके लिए, या कोई फेज कन्वर्जन हो रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला अपन यूज करते हैं, ठीक है। डेल्टा एन जी देखिएगा, H2O लिक्विड था, H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ऐसा है तो यहां पे डेल्टा एन जी कितना आएगा 1, इधर गैस का 1 मोल है उधर 0 है तो डेल्टा एन जी आ गया 1, इसकी वैल्यू दे रखी है 10 किलो कैलोरी, ये लो डेल्टा यू डेल्टा एन जी 1, आर की वैल्यू होती है 2, हाँ टेम्परेचर कितना दे रखा है 500 केल्विन,
आप किलो कैलोरी में चाहिए तो ये 10 रेस दी पावर माइनस 3 कर दीजिएगा, आप 1 किलो कैलोरी आ गया तो डेल्टा यू की वैल्यू आ गई 9 किलो कैलोरी पर मोल। ये तो 1 मोल के लिए आ गया, कितने मोल के लिए आ गया, 1 मोल के लिए। अपने पास कितने मोल है, 3 मोल, तो फॉर 3 मोल के लिए अगर आप बात करोगे, फॉर 3 मोल डेल्टा यू इज इक्वल टू 9 × 3 इज इक्वल टू 27 किलो कैलोरी पर मोल। ये सिस्टमेटिक तरीका रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो 27 प्लस का होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ, इसमें साइन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, प्लस साइन वाला माइनस में भी मिलेगा आपको, वैल्यू सेम मिलेगी, तो इसका आंसर थर्ड होगा करेक्ट। चले ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए, मैंने कैसे अप्लाई किया उसको आपको समझ में आना चाहिए। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 12। फॉर द रिएक्शन 2NO2 प्लस F2 कन्वर्ट 2 टाइम्स NO2F फॉलोइंग मैकेनिज्म हैज बीन प्रोवाइडेड। ये आपको मैकेनिज्म दे रखा है, रेट एक्सप्रेशन ऑफ द अबव रिएक्शन कैन बी रिटन एज। एक बात ध्यान रखिए, रेट इज गिवन फॉर स्लो स्टेप। रेट किसके लिए दी जाती है, हमेशा स्लो स्टेप के लिए दी जाती है, स्लो स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो इसका स्लो स्टेप कौन सा है, ये रहा, इसका स्लो स्टेप ये है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO2, एक ही मॉलिक्यूल है, F2 का भी एक ही मॉलिक्यूल है, R इज इक्वल टू K NO2 इनटू F2, ये आ गया। इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा बनेगा, इसके अकॉर्डिंग आंसर बन जाएगा थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अब एक बात ध्यान रखना, एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे चेंज करके दे सकता है, सपोज कीजिएगा स्लो स्टेप में कोई ऐसी स्पीसीज लिख देता, स्लो स्टेप में कोई ऐसी स्पीसीज लिख दे, हो सकता है स्लो स्टेप सेकंड वाला स्टेप होता और एक ऐसी स्पीसीज लिख देता जो रिएक्टेंट में भी नहीं होता, प्रोडक्ट में भी नहीं होता, मींस इंटरमीडिएट लिख देता, तो उस इंटरमीडिएट को आपको क्या करना होता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के टर्म्स में कैलकुलेट करके वहां पे वैल्यू पुट करनी पड़ती है, बस इसका आपको ध्यान रखना है। अभी के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो गया, थर्ड इज द करेक्ट। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स। बॉडी सेंटर्ड के लिए पूछा गया है, आइडेंटिकल पार्टिकल का है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, तो ये होता है क्यूबिक सिस्टम बॉडी सेंटर में पार्टिकल जो होते हैं वो कॉर्नर पे तो होते ही है, साथ में बॉडी के सेंटर पे भी होते हैं, ये लीजिएगा, ये हो गया बीसीसी स्ट्रक्चर। यहां से इस पार्टिकल के बीच की अगर अपन डिस्टेंस की बात करें, यहां से लेके यहां तक के पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो √3a/2। अगर ये दोनों टच करते हैं तो फिर तो ये भी √3a/2 है, ये भी √3a/2 है, ये भी √3a/2 है, ये भी √3a/2, सारी डिस्टेंस √3a/2 है, तो इन आठों कॉर्नर को टच करेगा कौन, बॉडी सेंटर वाला। इसका मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा बीसीसी में, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो होगा 8। कितना होगा, 8। सेकंड इज करेक्ट। सिंपल क्यूबिक में बात करें, सिंपल क्यूबिक के अंदर तो उसके अंदर होता है 6, और एफसीसी के अंदर बात करें तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 12। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो अपने से तो सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, बीसीसी में कितना होगा, करेक्ट आंसर इज 8। चलिएगा नेक्स्ट देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको थर्मोडायनेमिक्स के, चेंज इन स्टेट फंक्शन बिटवीन टू स्टेट इज ए डेफिनेट क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। दो स्टेट दे रखी है, ये स्टेट दे रखी है, मान लो ये इनिशियल है, ये फाइनल स्टेट है, यहां से यहां कह रहा है कि ऐसे आप दे, तो चेंज इन स्टेट फंक्शन बिटवीन टू स्टेट इज ए डेफिनेट क्वांटिटी एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। सुनिएगा बात को, स्टेट फंक्शन का मतलब ही यही होता है, जैसे सपोज करो ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, आप एक बार तो इस वाले पाथ के थ्रू गए तो फंक्शन की वैल्यू आई F1, और एक बार ऐसे गए फंक्शन की वैल्यू आई F2। इफ F1 इज इक्वल टू F2 है, मींस पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है,
किसी भी पास से जाइएगा वैल्यू सेम आ रही है, इसका मतलब एफ इज द स्टेट फंक्शन। एफ कैसा फंक्शन होगा? स्टेट फंक्शन होगा। एंड एफ वन इज नॉट इक्वल टू एफ टू, इज नॉट इक्वल टू एफ टू, देन एफ कैसा फंक्शन हो जाएगा? पाथ फंक्शन हो जाएगा। स्टेट फंक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपने बुक्स में जो मेनली लिख रखा है वो 8 स्टेट फंक्शन हो सकते हैं। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिब्स फ्री एनर्जी, इनको आपको ध्यान रखना है। ये स्टेट फंक्शन की कहानी है। ओके चलेगा, देखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट, तो इसका मतलब वो तो पाथ के ऊपर डिपेंड करता ही नहीं स्टेट फंक्शन, तो पहला तो ट्रू है। ये लीजिए टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एलजेब्रिकली एडेड और सबस्ट्रेक्ट। आप ये कह रहे हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी को आप जो वो ऐड भी नहीं कर सकते और माइनस भी नहीं कर सकते, जोड़ नहीं सकते घटा नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को कभी भी आप ऐड नहीं कर सकते हो और ना ही उनको घटा सकते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलते किसको है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी बेसिकली उसको बोलते हैं जो अमाउंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करे, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी अपन ऐसा बोल सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिएगा ये एक बॉक्स है, इसके लिए किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू P1 है। अगर आपने इस बॉक्स को ऐसे दो पार्ट में कट कर दिया और इसके लिए वैल्यू P डैश आ गई, अगर P और P डैश इक्वल है, अगर P और P डैश अगर इक्वल है तो इसका मतलब तो प्रॉपर्टी कैसी है? इंटेंसिव, अदरवाइज एक्सटेंसिव। तो सुनिएगा, अगर P इंटेंसिव प्रॉपर्टी है तो ये बीच वाला अगर आप पार्टीशन हटाओगे तो क्या P प्लस P 2P होगा क्या? नो, एडिटिव नेचर की नहीं होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दे रखा था कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्ट, सही है, ये ट्रू है। चलिए थर्ड नंबर, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज रिजल्ट इनटू ए पैरामीटर दैट डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, ये गलत है। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो देते लेते हो तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी बनता है। जैसे मास इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका रेशियो लोगे तो डेंसिटी बनेगा, डेंसिटी इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फोर्थ नंबर, मोलर हीट कैपेसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ट्रू है। तो डबल टी एफ टी, डबल टी एफ टी थर्ड इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है उसके बारे में बात करते हैं। हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट कैपेसिटी जो होती है किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर यूनिट से इंक्रीज करने के लिए, यूनिट से इंक्रीज करने के लिए आप जो हीट देते हो उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हीट कैपेसिटी इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? एक मोल के लिए, एक मोल किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर आपने 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन से अगर इंक्रीज किया है तो जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी उसे बोला जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव, मोल एक्सटेंसिव, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव बनेगा, यही मैंने अभी बोला था। तो उसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो गया? थर्ड, मोलर हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्टेट पाथ फंक्शन क्या होता है, एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सारी बातें एक्सप्लेन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डेल्टा एच माइनस डेल्टा इज मैक्सिमम एट ए गिवन टेम्परेचर। आपको बोला गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई मैक्सिमम कहां पे होगा, डेल्टा ई बोलो डेल्टा यू बोलो, ये डेल्टा एनजीआरटी हो जाएगा। टेम्परेचर फिक्स कर दिया गया, इसकी वैल्यू मैक्सिमम तभी आएगी, ये मैक्सिमम तभी होगा जब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या हो, मैक्स। डेल्टा एनजी आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट के मोल होते हैं गैस के, तो 2-1 यहां 1 आ गया। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए देखोगे तो डेल्टा एनजी यहां पे भी 1 है, ये थर्ड वाले में देखोगे तो यहां पे गैस है, यहां पे गैस है, यहां पे सॉलिड है, तो डेल्टा एनजी हो गया 2, और लास्ट वाले में डेल्टा एनजी 0। तो आंसर थर्ड इज द करेक्ट, थर्ड इज द करेक्ट। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है,
किसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई इक्वल होगा, तो डेल्टा एन जी जब जीरो होगा तो उस कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपसे ये पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। गोल्ड सॉल इज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, बिल्कुल सही है। गोल्ड और सल्फर सॉल जो होते हैं, गोल्ड सॉल एंड सल्फर सॉल बोथ आर मल्टी मोलिकुलर कोलाइड। मल्टी मोलिकुलर कोलाइड का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल एसोसिएट होके कोलाइड रेंज में आ जाते हैं, कोलाइड रेंज के मोलिकुल का फॉर्मेशन करते हैं, उन्हें मल्टी मोलिकुलर कोलाइड बोलते हैं। सेकंड में ये देखो डेफिनेशन दे रखी है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सब्सटेंस एग्रीगेट टुगेदर एंड फॉर्म मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, ये सही है ये सही है। मेटल सल्फाइड आर लियोफोबिक कोलाइड, मेटल सल्फाइड जो होंगे वो लियोफोबिक कोलाइड होंगे, बिल्कुल सारे के सारे जितने भी इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं वो लियोफोबिक होते हैं। जो भी ऑर्गेनिक नेचर का होता है जैसे जिलेटिन हो गया, स्टार्च हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं तो लियोफिलिक होते हैं, और जितने भी इनऑर्गेनिक नेचर के हो गए, मेटल हो गया, मेटल सल्फाइड हो गया, ये सारे लियोफोबिक कोलाइड होंगे। लास्ट सल्फर सॉल इज मल्टी मोलिकुलर कोलाइड एंड हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है तो ये कैसा होना चाहिए था, हाइड्रोफोबिक होना चाहिए था, मींस वाटर को क्या करेगा, रिपेल। तो इसका आधा स्टेटमेंट गलत है, इसलिए स्टेटमेंट फोर्थ इज इनकरेक्ट हो जाएगा, अपना आंसर हो गया फोर्थ। चले आगे, ये सॉल्व से रिलेटेड बात हो गई सारी, चलेगा नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, द हाफ लाइफ फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हैविंग 0.02 मोलर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 100 सेकंड, द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। आपको रेट कांस्टेंट पूछा गया है कि क्या होना चाहिए, हाफ लाइफ दे रखी है। अगर आपको मालूम है तो फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम जो होता है वो ए नॉट अपॉन 2k0 होता है। ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, के नॉट इज द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, तो के नॉट की वैल्यू पूछिए, ए नॉट की वैल्यू है 0.02 अपॉन 2 और ये है 100, तो ये हो जाएगा 10 रेस टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकंड। आंसर इज फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। चले आगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ये जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, इसका कंसेप्ट पहले ही बता चुके हैं, हाईएस्ट एंट्रोपी पर मोल ऑफ दी सब्सटेंस, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए, मोल ज्यादा होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा मींस प्रेशर क्या हो, कम हो, ठीक है। H2 सारे H2 दे रखे, प्रेशर 1 atm दे रखा, टेम्परेचर चेक कर ले 0 100, यहां पे 0 डिग्री सेल्सियस है और यहां पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो सबसे ज्यादा आएगा यहां पे। ऑर्डर लिखने का बोल दे तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड उसके बाद 4, ऑर्डर लिखने का बोलता तो यह आता। ओके चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन Li2O हैविंग द एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, बेसिकली एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर जो होता है वो CaF2 का रिवर्ट होता है, CaF2 को फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं, Na2O Li2O को एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। The coordination number 4 O-2 ion and Li+ ion respectively, इस एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में मींस Li2O ले लीजिएगा, Na2O ले लीजिएगा, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर में कैटाइन जो होता है Li+, ये टेट्राहेड्रल वॉइड में होता है और टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, ठीक है। एंड O-2 जो होता है इट फॉर्म CCP बोले तो ये होगा कॉर्नर पे प्लस कहां पे, फेस सेंटर पे, ये सिचुएशन बनने वाली है। तो सुनिए, इसका सीसीपी में जब होगा तो ये नियरेस्ट Li+ को टच करेगा O-2, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 8 और इसका हो जाएगा 4, तो O-2 का हो गया 8 एंड Li+ का हो गया 4, 8 एंड 4 ये लीजिएगा,
जनरली अपन हमेशा पहले कैटाइन का लिखता है, बट एग्जामिनर ने इस बार O माइनस टू का पहले पूछा है, तो 8 एंड 4 हो जाएगा। ओके चले आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा 20। अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल बात है, साइन ऑफ डेल्टा जी फॉर द मेल्टिंग ऑफ आइस इज नेगेटिव। डेल्टा जी का जब साइन नेगेटिव हो, मींस गिब्स फ्री एनर्जी का साइन, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी का साइन नेगेटिव हो, उस कंडीशन में प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। जब डेल्टा जी का साइन पॉजिटिव हो तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, ये लो। और जब डेल्टा जी का वैल्यू जीरो हो, मींस इक्विलिब्रियम प्रोसेस होता है। ये आपको बोला है कि मेल्टिंग ऑफ आइस का नेगेटिव होना चाहिए, इसका मतलब प्रोसेस कैसा होना चाहिए, स्पॉन्टेनियस। अच्छा स्पॉन्टेनियस होता है तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0°C (273 K). जब टेम्परेचर 273 K से ज्यादा होगा, उस कंडीशन में डेल्टा जी लेस देन जीरो, मींस प्रोसेस कैसा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। तो चेक कर ले टेम्परेचर 273 से ज्यादा कहां पे दे रखा है, 274। ओके चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करें, 21 क्या कह रहा है, 21 नंबर प्रॉब्लम, फॉर ए रिएक्शन 2a + b कन्वर्ट प्रोडक्ट, इसके बारे में बात कर रहा है। रेट लॉ इज गिवन एज r = k a^1 b^2 व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ a इज टेकन इन द एक्सिस। जब भी किसी रिएक्टेंट को आप एक्सेस में लेते हो तो रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, जिसको भी आपने एक्सेस में लिया है रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड है, जिसको भी एक्सेस में लोगे रेट उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। रेट डज नॉट डिपेंड ऑन ए, ए के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, इसका मतलब हटा दो ए, ए अगर हट गया उस कंडीशन में, ऑर्डर अब आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अब बच जाएगा कितना, 1/2। अब कितना बच गया, 1/2, तो करेक्ट आंसर इज द सेकंड। ठीक है चलिएगा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। 1 मोल ऑफ NaCl ऑन मेल्टिंग एब्जॉर्ब 30.5 kJ ऑफ हीट एंड इट्स एंट्रोपी इज इंक्रीज बाय 28.8 जूल पर केल्विन। बी केयरफुल, यहाँ पे किलो जूल यूनिट दे रखी है, यहाँ पे जूल यूनिट दे रखी है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सोडियम क्लोराइड, ये मेल्टिंग करवा रहा है, इसका मतलब फेस कन्वर्जन का प्रोसेस है। एंट्रोपी का अगर जनरल फॉर्मूला देखें, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल अपॉन टेम्परेचर होता है। ठीक है, आपने हीट किस लिए दी है, इसको फ्यूज करवाने के लिए, मेल्ट करवाने के लिए, तो ये हो जाएगा डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन ये टेम्परेचर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट। ये डेल्टा एस का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा एस कितना दे रखा है 28.8, ये कितना दे रखा है 30.5 मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मेल्टिंग पॉइंट। यहां से अपन मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 1000 केल्विन से ज्यादा आएगा, 1000 केल्विन से ज्यादा आएगा, उसका सिंपल सा रीजन ये देखो, ये वाली जो वैल्यू है वो एक से ज्यादा आएगी डिवाइड करने पर, तो एक से थोड़ा ज्यादा मल्टीप्लाई बाई 1000 है, तो 1000 से थोड़ा ज्यादा आना चाहिए, तो उस कंडीशन में आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। चलिएगा नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन नंबर 23। पेंट्स कैसा है, कोलाइड के बारे में पूछ रहा है, पेंट कैसा कोलाइड सॉल्यूशन है। पेंट जो होता है वो सॉलिड इन लिक्विड, ठोस का द्रव में कोलाइडी विलयन है, सॉलिड पार्टिकल होते हैं लिक्विड सॉल्यूशन में, तो ठोस का द्रव में कोलाइड विलयन है। ओके चलते आगे, क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है ये, हाउ मेनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 5 ग्राम ऑफ द क्रिस्टल AB, फॉर्मूला मास ऑफ AB इज इक्वल टू 40 हैविंग रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर, ये दे रखा है। रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर बोले मींस NaCl टाइप का। एक बात तो ये ध्यान रखें, NaCl की 1 यूनिट सेल में, 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl, आपको मालूम है अगर आपने इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका Z4 आता है, मींस 1 यूनिट सेल NaCl कंटेंस 4 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl,
ये उधर फोर मॉलिक्यूल ऑफ NaCl। इस बार आपसे क्या पूछ रहा है, कितनी यूनिट सेल होनी चाहिए, तो मैं कह रहा हूं फोर मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, पहले वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। फोर मॉलिक्यूल का मास होगा 4/40/NA। अगर ऐसा होता है तो इसमें यूनिट सेल कितनी होती है, 1 यूनिट सेल। ओके, सेकंड नंबर ये ग्राम में, अगर 1 ग्राम होता तो ये डिवाइड करते 1/4 × 40 NA चला जाता ऊपर, और 5 ग्राम दे रखा है तो मल्टीप्लाई बाई 5 कर देते अपन, तो यहां पे हो जाता NA/32। NA/32 ये सॉल्व कर लीजिएगा, इतनी यूनिट सेल आ जाएगी NA/32। आंसर इज 4, करेक्ट आंसर इज 4। चले आगे चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। वर्क डन जो होता है वो मैंने बताया था माइनस का पी डेल्टा वी, या फिर माइनस का एमआरटी मिस डेल्टा टी भी हो सकता है। एक मोल है ये लीजिएगा, आर दे रखा है आर, टेम्परेचर कितने से इंक्रीज करना है 1 से, मैग्नीट्यूड की बात हुई है, मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा आर आ जाएगा, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। ओके चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, द कंसंट्रेशन ऑफ आर इन द रिएक्शन आर टू पी वाज मेजर्ड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एंड फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। आप एक हिट करें और उसके बाद ट्रायल करें कि कौन सा मेथड हुआ है। एक सेकंड के लिए देखना, अगर आप यहां से देखते हो, यहां से अगर आप देखते हो 1 से 4 हुआ, इसका मतलब कितनी कंसंट्रेशन कम हो गई, 0.6 की, कितने टाइम में, 0.12 मिनट में, 0.6 की कंसंट्रेशन कम हुई है 12 मिनट में, ये लो 0.12 में। अब देखिएगा 0.4 से 0.3 कितने की कम हुई है, 0.3 टाइम लग रहा, देखो 0.06 यहां से यहां आपने कंसंट्रेशन आधा किया तो टाइम भी आधा लगा, मींस एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, किसमें आता है जीरो ऑर्डर में, किसमें आता है जीरो ऑर्डर में, इट मींस ये रिएक्शन कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, जीरो ऑर्डर की हो जाएगी। और अगर आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगाते हैं तो आप इसे सबसे पहले जीरो ऑर्डर एज्यूम कीजिएगा, जीरो ऑर्डर का के नोट जो होता है ए नोट माइनस ए टी अपॉन टी आएगा। अगर ये तीनों ऑब्जर्वेशन के लिए सेम आता है, फर्स्ट इस ऑब्जर्वेशन का, सेकंड इस ऑब्जर्वेशन का, और थर्ड इस ऑब्जर्वेशन का, अगर तीनों के लिए के नोट की वैल्यू सेम आती है जीरो ऑर्डर है, नहीं आएगी तो हिट करना पड़ेगा फर्स्ट ऑर्डर, बट जीरो ऑर्डर में आ जाएगा, मैंने आपको डायरेक्ट अप्रोच ऐसे करना सिखाया। ओके चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मॉडिफाई करके दिया गया, एनालिसिस शो दैट निकल ऑक्साइड कंसिस्ट ऑफ निकल आयन विद 96% आयंस हैविंग D8 कॉन्फिगरेशन। अगर निकल का D8 कॉन्फिगरेशन की बात कर रहा है तो निकल का कॉन्फिगरेशन होता है आर्गन 3D8 4S2। अगर 3D8 आ रहा है इसका मतलब निकल प्लस 2 स्टेट में होगा, इसका मतलब निकल कौन सी स्टेट में, 2 प्लस में। नेक्स्ट बात कर रहा है निकल 4% जो है वो D7 में, D7 में तभी होता है जब देखिएगा ये दो जाएंगे इधर से एक जाएगा 3D7, इसका मतलब निकल प्लस 2 निकल प्लस 3 है, अल्टीमेटली बोलना ये चाहिए था इसको, लेकिन मैंने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है 96% and 4% ये। ओके विच अमंग दी फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दी फॉर्मूला ऑफ दी ऑक्साइड। एक काम कीजिएगा निकल का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कीजिएगा, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल वो क्या हो जाएगा 96 × 2 प्लस 4 × 3 डिवाइड बाई 100। तो यहां से अपन अगर कैलकुलेट करते हैं 192 ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा डिवाइड बाई 100 ये हो जाएगा 2.04। ये फॉर्म निकल का चार्ज आ गया, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब हो गया ये निकल का चार्ज आ गया। ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है माइनस का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ये होगा। ओके बात चले आगे, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला दिख रहा है क्या, नहीं।
ऑक्सीजन के सारे एटम आपको 1111 दिख रहे, तो आप एक काम कीजिएगा 2.04 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, ये बन जाएगा। और अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका ऑब्जर्वेशन ये आएगा 0.980 आएगा। अब यहां पे आपको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर इज द करेक्ट आंसर। मैंने डायरेक्ट आपको निकल 2 प्लस नहीं बोला है, मैंने डायरेक्ट आपको निकल 3 प्लस नहीं बोला है। सबसे पहले आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना होगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बात करते हैं। When one mole of ideal gas is compressed to half its initial volume and simultaneously heated to twice its initial pressure, initial temperature, the change in entropy. Basically, अगर मैं बात करूँ, entropy का formula जो होता है, वो देखो कहाँ से आता है? Q reversible upon आपने बोला T होगा, ये होता है। तो delta S is equal to अगर मैं बात करूँ, तो Q reversible first form of थर्मोडायनेमिक्स से अगर अपन अप्लाई करें डीई माइनस डब्ल्यू अपॉन टी हो जाएगा। ये देखिएगा डी होता है एन सी वी डी टी बाई टी, माइनस माइनस प्लस पी डी वी डिवाइड बाई टी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ये तो हो जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन, प्लस यहाँ पे पी की जगह मैं एन आर टी बाई वी रख देता हूँ डी वी, टी से टी यहाँ पे पड़ा था वो कैंसिल हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ये एक जनरलाइज फॉर्मूला बन गया एंट्रोपी कैलकुलेशन का, ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया, ये मैंने आपको डिराइव करके बता दिया। ठीक है, अब अपन को इसमें वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। क्या दे रखा है? व्हेन वन मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू, वन मोल आइडियल गैस है वन सी वी एल एन, साइमल्टेनियसली हीटेड टू ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल टेम्परेचर, तो ये टू आता है, एन एन की वैल्यू वन है, आर एल एन। व्हेन वन मोल ऑफ आइडियल गैस इज कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम, ये वन बाई टू हो जाएगा, ये हो गया सी वी एल एन टू माइनस आर एल एन टू हो जाएगा, आर एल एन टू आ गया कॉमन, सी वी माइनस आर एल एन टू, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। द डेंसिटी ऑफ द मेटल विच क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी लैटिस विथ यूनिट सेल एज लेंथ 300 पिकोमीटर एंड मोलर मास 50 ग्राम पर मोल विल बी। डेंसिटी पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता भी है, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। देखिएगा कैसे अप्रोच करें, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, किसी यूनिट सेल में पर्टिकुलर नंबर ऑफ एटम जो होते हैं वो जेड होते हैं, तो मास कैसा आएगा, जेड इंटू मॉलिकुलर वेट, ये तो मोलर मास होता है, तो डिवाइड करेंगे एनए से मल्टीप्लाई बाई ए क्यू, वॉल्यूम होता है यूनिट सेल का ए क्यू। वैल्यू पुट कीजिएगा, बीसीसी क्रिस्टल है तो जेड की वैल्यू 2 होगी, एफसीसी होता तो 4 होती, और सिंपल क्यूबिक होता तो 1 होता। मोलर मास दे रखा है 50, ये लीजिए, एनए की वैल्यू 6 इंटू 10 रेस दी पावर 23 रख लीजिएगा अप्रोक्सीमेशन के लिए। ए क्यूब पिकोमीटर में दे रखा है, यहां पे ऊपर ग्राम चल रहा है, आंसर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में लाना है, तो ये 3 इंटू 10 रेस दी पावर माइनस 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका क्यूब करोगे 27 इंटू 10 रेस टू द पावर माइनस 24, यहां से पावर जाएगी एक ऊपर 1000 डिवाइड बाय, ये हो जाएगा 162, ये अप्रोक्सीमेट 6 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो 6.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ओके है, देखो आपको थोड़ा बहुत डेटा वगैरह का भी ध्यान रखना है, डेटा दूर रखा है तो पूरा सॉल्व नहीं करना, 6.02 नहीं रखना है, ठीक है ना, 162 डिवाइड करके नहीं देखना है, 6 टाइम जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये कह रहा है एयर बिकम्स ड्राई इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका जेल, सिलिका जेल की प्रेजेंस में जो होती है, सिलिका जेल की प्रेजेंस में वायु जो होती है वो शुष्क हो जाती है, ऐसा क्यों? सिलिका जेल की प्रेजेंस में एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन होता है इसलिए एयर क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, एयर क्या हो जाती है,
ड्राई हो जाती है, तो 30 का थर्ड हो जाएगा, एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस। और यही पे अगर ऐसा बोल देता एनहाइड्रस CaCl2 से पास करवाया गया, इट इज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और ये क्या करता, ये करवाता एब्जॉर्प्शन, और सिलिका जेल क्या करवाएगा, एडजॉर्प्शन। ओके, तो आंसर हो जाएगा थर्ड, 31। देखिएगा, व्हाट आर दी साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज प्लस और माइनस इन दी फॉलोइंग। आपको सीधा ये चेक करना कि एंट्रोपी साइन का, एंट्रोपी चेंज का साइन क्या आएगा। ठीक है, ए लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू ए सॉलिड, लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, सॉलिड अगर, सॉरी, लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी तो कम होने वाली है, तो साइन नेगेटिव आएगा फर्स्ट का। टेम्परेचर ऑफ द क्रिस्टलाइज सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 to 115, टेम्परेचर बढ़ाया तो एंट्रोपी बढ़ेगी, पॉजिटिव आएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है, इसे हीट किया, सॉलिड गैस, गैस बना, गैस के मोल बढ़े, इसका मतलब पॉजिटिव आए। H2 गैस है, इधर भी गैस है लेकिन इधर गैस का एक मोल है, इधर दो मोल है, मोल बढ़ा, इसका मतलब पॉजिटिव। एक माइनस तीन प्लस आने चाहिए, एक माइनस तीन प्लस फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन। फॉर ए रिएक्शन ए कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, रेट लॉ इज माइनस dA/dt इज इक्वल टू kA₀। यहां पे देखिएगा पावर वन चल रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई, इट इज द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। द कंसंट्रेशन ऑफ ए लेफ्ट आफ्टर टाइम टी व्हेन टी इज इक्वल टू 1/3। द कंसंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टी टाइम जो होता है ए टी, इट इज द a₀ e रेस टू द पावर माइनस के इनटू टी होता है। आपको k की वैल्यू दे रखी है या t की वैल्यू दे रखी है 1/k, a₀ e माइनस k इनटू t की वैल्यू दे रखी है 1/k, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, a₀ अपॉन क्या हो जाएगा e, a₀ अपॉन e, 32 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये लीजिए। 33, ये फॉर्मूला ध्यान रखें, नेक्स्ट 33। 5 मोल ऑफ ए गैस एक्सपांड adiabatically and reversibly by doing work of 250 R and undergo the decrease in temperature of 20 degree Celsius, the gas is, आपको गैस पूछ रहा है कि ऐसा कौन सी गैस होगी। 5 मोल आदर्श गैस है, आइडियल गैस है, उत्क्रमणीय और रुद्धोष्म प्रसार है। जब भी adiabatic process लिखा हुआ है तो डेल्टा, adiabatic process में Q जो होता है वो 0 होता है, first law apply करोगे तो डेल्टा E जो आएगा वो W के equal आएगा। डेल्टा ई एन सी वी डेल्टा टी होता है, एन सी वी डेल्टा ई होता है, ये लीजिए। और वर्क डन की बात करें, अगर आप वर्क डन की बात करोगे तो वर्क डन दे रखा आपको 250 R, वो भी माइनस का। 5 मोल ऑफ गैस एक्सपांड एडियाबेटिकली एंड रिवर्सिबली बाय डूइंग वर्क, गैस वर्क डन करिए तो माइनस का 250 R हो गया। 5 मोल है, CV की वैल्यू नहीं है तो CV को अपन ने लिख दिया R अपॉन गामा माइनस 1 डेल्टा T, दी डिक्रीज इन टेम्परेचर माइनस 20, माइनस 250 R, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया, 50, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू 2/5, गामा इज इक्वल टू 7/5 मीन्स 1.4, गैस इज द डायटोमिक, गैस कैसी होनी चाहिए, डायटोमिक। अगर 1.67 होता है मोनोएटॉमिक, 1.4 होता है डायएटॉमिक, 1.33 होता है ट्राइएटॉमिक। डायएटॉमिक गैस आइडेंटिफाई कर लो, इसमें से कौन सी, CO, कौन सा हो जाएगा, CO। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34। सिंपल सा क्वेश्चन, ए कंपाउंड इज फॉर्म बाय टू एलिमेंट्स वाई एंड जेड, द एलिमेंट जेड फॉर्म CCP, CCP बोले क्यूबिक क्लोज पैकिंग मींस कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे, कॉर्नर होता है 8 और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, फेस सेंटर होता है 6 और कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, जेड हो गया 4। एटम्स वाई ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड होती है टोटल 8, उसका 1/3 हो गया तो 8/3 हो जाएगा। तो जेड वाई के एटम तो हो गए 8/3 और Z का एटम हो गया 4, तो यहां से आएगा Y2
जेड थ्री, वाई टू जेड थ्री बोले तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ओके चले आगे, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम है इस पेपर की, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम 35 नंबर। इन ए गैल्वेनिक सेल वन मोल इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एक मोल इलेक्ट्रॉन दे रखा है जो कैथोड से एनोड की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, एनोड से कैथोड की तरफ एट 500 केल्विन टेम्परेचर, ये लीजिएगा, और ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप कर रहा है 20 वोल्ट का, ये लीजिएगा, इसे वोल्टेज को अपन केमिस्ट्री में ई से लिखते हैं, ये लीजिए। व्हाट इज द डेल्टा एस यूनिवर्स ड्यूरिंग द फिनोमिना, ड्यूरिंग दिस फिनोमिना, अगर आपको आइडिया है डेल्टा जी जो होता है वो माइनस का डब्ल्यू यूजफुल होता है, और माइनस का डब्ल्यू यूजफुल बोले मींस माइनस का एम एफ ई, मैग्नीट्यूड की बात कर लेंगे अपन, हाँ माइनस रहने, माइनस का एम एफ ई, ये माइनस वन, एफ की वैल्यू होती है 96500, और ये आपको दे रखा है 20 वोल्ट। ओके ये अपने पास अभी तक की वैल्यू बन गई डेल्टा जी। अपन को एक चीज ये भी मालूम है डेल्टा जी सिस्टम जो होता है वो होता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल होता है, ये होता है, तो यहां से डेल्टा एस टोटल पूछा है, यूनिवर्स मीन्स टोटल, डेल्टा जी अपॉन टी हो जाएगा माइनस में, डेल्टा जी की वैल्यू है 96500, ये 20 डिवाइड बाई टेम्परेचर 500, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, ये 4 हो गया, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करें, एक मिनट, माइनस माइनस प्लस होना चाहिए था, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑलरेडी वहां पे फॉर्मूले में भी आया हुआ, तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 3860, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, फोर इज द करेक्ट आंसर। चले आगे चलेगा, ये पूरा मतलब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंक्लूड कर रहा था ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट 36, ए सॉलिड कंपाउंड ए बी हैज ए रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर इफ द रेडियस ऑफ ए इज 200 पिकोमीटर द रेडियस ऑफ बी माइनस विल बी, ये आपसे पूछ रहा है, अगर रॉक सॉल्ट टाइप का स्ट्रक्चर है तो कैटायन की रेडियस और एनायन का रेडियस रेशियो जो होना चाहिए 0.414 होना चाहिए, तो r ऑफ द माइनस जो होगा वो r ऑफ द कैटायन अपॉन 0.414 होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो 200 डिवाइड बाय 0.414 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व नहीं करना है, कुछ लोग यहां पे टाइम बहुत खराब करते हैं, अगर ये आधा होता मींस हाफ होता तो हाफ ऊपर जाते ही होता था 400, तो ये 400 से भी वैल्यू ज्यादा आएगी, बस इतना ध्यान रखना है 400 से वैल्यू ज्यादा आई है 483, इतनी भी ज्यादा नहीं आएगी 550 वाली जितनी। ओके बात चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37, एट ए सर्टेन टेंपरेचर द हाफ लाइफ पीरियड फॉर ए कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ अमोनिया वर फाउंड टू बी एज फॉलो, जब भी डेटा दे तो प्री डिटरमाइंड नहीं हो कि अमोनिया का डीकंपोजिशन, वैसे तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कैटालिटिक डीकंपोजिशन, बट डेटा दे रखा हो तो प्री डिटरमाइन नहीं हो कि जीरो ऑर्डर होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा या सेकंड ऑर्डर होगा। व्हाट विल बी द प्रेशर व्हेन द हाफ लाइफ पीरियड इज 1.5 आवर्स, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग आपको ये पता करना है, फर्स्ट ऑफ थिंग आपको ये पता करना है कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो मैं ऑर्डर चेक करता हूं। अपन को मालूम है कि किसी भी ऑर्डर के लिए अगर जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होती है तो उसके लिए ए नॉट या फिर प्रेशर पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है, ये जीरो ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम डिपेंड ही नहीं करती, सेकंड ऑर्डर के लिए कंसेंट्रेशन ए या प्रेशर पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है। आपने प्रेशर बढ़ाया डबल किया हाफ लाइफ टाइम आधी होगी, इसका मतलब कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, इट इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है सेकंड ऑर्डर। बस अब आप काम कर लीजिएगा, व्हाट विल बी द प्रेशर व्हेन द हाफ लाइफ पीरियड इज 1.5 आवर्स, ठीक है। अब T1 by T2 is equal to P2 by P1, ये हो जाएगा, एक स्टार्टिंग का हाफ लाइफ पीरियड ले लीजिएगा 3.52 और अब लेना है 1.5 आवर्स, यहां का प्रेशर P2 कैलकुलेट करना है, उस समय का प्रेशर 50 है, अब अगर आप यहां से यहां पे शिफ्ट कर लीजिएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, P2 is equal to, ये लगभग 12 हो जाएगा, 12 into 10, 120 के आसपास आएगा, 120 बोले तो 170 mm, ओके, चले आगे,
कैलकुलेशन रफली आइडिया रखना, मैं आपको उसी टाइप से कैलकुलेशन करा रहा हूं जैसे एग्जाम में अपन को पढ़नी होती है। चलिए नेक्स्ट 38, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड वे 20 ml ऑफ 0.5 मोलर NaOH इज मिक्स्ड विद 100 ml 0.1 मोलर 0.1 मोलर HCl इज x किलोजूल, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन किलोजूल पर मोल। एक काम कीजिएगा, आप तो यूनिट से ही मालूम चल गया है, पर मोल के लिए कैलकुलेट होती है बेसिकली। एक मोल एसिड एक मोल बेस के साथ रिएक्ट करे, या मैं ऐसा बोल दूं वन मोल वाटर का फॉर्मेशन हो बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड बेस, तो उस रिएक्शन उस हीट को अपन क्या बोलते हैं, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहां से देखना H प्लस आयन OH माइनस कितना मिलेगा, M इंटू V कीजिएगा 10 मिलीमोल OH माइनस मिल गया, H प्लस कितना मिलेगा, H प्लस मिल गया 10 मिलीमोल ऐसा है, और इससे बनेगा H2O, वो भी कितना बनेगा 10 मिलीमोल। कितनी हीट रिलीज हुई, X किलो जूल रिलीज हुई है, तो माइनस साइन आएगा, बी केयरफुल, ठीक है, उष्मा उत्सर्जित होती है 10 मिलीमोल। तो एक मोल H2O बनाना है, तो एक मोल बनाना है तो माइनस एक्स बाई 10 मिलीमोल, मिलीमोल बोले तो ये माइनस का 100x किया गया। फर्स्ट इज द करेक्ट, कुछ लोगों ने थर्ड भी किया होगा, उन्होंने साइन का ध्यान ही रखा, और मैंने पहले भी बोला है थर्मोडायनेमिक्स में साइन का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, When 1 gram charcoal is kept in SO2, CO2 and H2 gas container, the correct order amount of gas adsorbed. Gas का amount जो adsorb होगा, वो gas के nature के ऊपर depend करता है। Liquefaction tendency जिस gas की ज़्यादा होगी, उसका adsorption भी ज़्यादा होगा, तो लिक्विफैक्शन टेंडेंसी सबसे ज्यादा SO2 की, फिर CO2 की, फिर H2 की। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज करेक्ट। ऑर्डर के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ इन पावर टू द कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एक्सप्रेस इन द रेट लो। गलत है, ऑर्डर जो होता है वो सम ऑफ पावर होता है, ये कह रहा मल्टीप्लिकेशन है, ऑर्डर इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लो, ये कह रहा मल्टीप्लिकेशन, गलत है। ऑर्डर इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, बिल्कुल करेक्ट है, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है, कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट गिवन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज होल नंबर ऑलवेज, ना, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, गलत है। ऑर्डर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट ओनली, ऑर्डर कभी भी स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर इज द सेकंड। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट विल बी द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड हीट ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दे रखा है। आपसे पूछा है हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन खूब प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और जबकि क्वेश्चन बहुत सिंपल से होते हैं। आपको जो भी दे रखा है ना, जो भी आइडेंटिफाई करना, जो भी आपको कैलकुलेट करना, उसकी इक्वेशन लिखें। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, सी सॉलिड प्लस 2H2 गैस कन्वर्ट होगा CH4 गैस, इट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, इसकी डेल्टा HR जो आएगी, इस रिएक्शन की डेल्टा HR जो आएगी, इट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, यही आपको कैलकुलेट करनी, ओके। अब अपने पास डेल्टा एचआर के तीन फॉर्मूले होते हैं, अगर फॉर्मेशन की गिवन हो हीट तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगा लीजिएगा, कंबशन की गिवन हो तो उस कंडीशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लगा लीजिएगा, और बॉन्ड एंथैल्पी की गिवन हो तो भी आर माइनस पी लगा लीजिएगा। बट यहां पे एक कंफ्यूजन, यहां पे कुछ हीट कंबशन की दे रखी है, कुछ फॉर्मेशन की दे रखी है, देखिएगा हीट ऑफ कंबशन कार्बन की दे रखी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन वाटर की दे रखी है, हीट ऑफ कंबशन मीथेन की, दो तो कंबशन की दे रखी है और एक फॉर्मेशन की दे रखी है। अच्छा फॉर्मेशन वाटर की दे रखी है, तो फॉर्मेशन कैसे होगा वाटर का, ऐसे ये वाटर का फॉर्मेशन भी है और H2 का क्या है कंबशन भी है, तो डेल्टा HF फॉर वाटर इज इक्वल टू
डेल्टा एच सी ऑफ क्या होना चाहिए, एच टू बी होगा। ये बात अब अपन को ध्यान रखनी है। इसका मतलब सारी हीट ऑफ कंबशन ही होगी फिर तो, इसका मतलब सारा हीट ऑफ कंबशन ही हो गया। तो इसका डेल्टा एच आर जो आएगा, हीट ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट, कार्बन का कितना दे रखा है -393.5, प्लस एच टू का कितना दे रखा है 2 times -285.8, ये लो, माइनस प्रोडक्ट का कितना दे रखा है -889, ये दे रखा है। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, आई थिंक आंसर इज फर्स्ट आएगा, आंसर जो आएगा वो कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, सॉल्व कर ले आपको आ जाएगा। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ टिंडल इफेक्ट, ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज ड्यू टू, ब्लू कलर किसकी वजह से आता है, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं एटमोस्फेयर में वो लाइट की क्या करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, इसलिए ब्लू कलर ऑब्जर्व होता है। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, एनसीईआरटी में एग्जांपल लिख रखा है इसके बारे में, इट इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन। When initial concentration of ammonia is triple, zero order reaction में T half is directly proportional to initial concentration. अगर आपने initial concentration of ammonia को triple किया है, तो half life भी जो होगी वो tripled हो जाएगी। First is the correct answer. ये लीजिए। अब अगर आपको ये example याद है, तो question कितना simple सा हो गया। चलिए, next 44. The enthalpies of element in their standard state are taken as zero. The enthalpy of formation of the compound. तत्व की मानक अवस्था में enthalpy शून्य होती है, बिल्कुल। जो भी reference state या standard state मानते हैं, उसमें अपन zero मानते हैं। जैसे graphite जो है, उसकी heat of formation zero consider होगी। किसी यौगिक के संभवन की enthalpy, the enthalpy of formation, enthalpy of formation of compound may be positive or negative, depends on the stability of the compound. अगर compound relatively ज़्यादा stable बना है, तो negative आएगी। और कंपाउंड अगर अनस्टेबल बनाए, मींस आगे कन्वर्जन होने की टेंडेंसी रखता है, तो उसकी ही एंथैल्पी जो आएगी, फॉर्मेशन की एंथैल्पी, वो पॉजिटिव आएगी। जैसे एल्केन की नेगेटिव आती है, एल्किन की जनरली जो आती है वो पॉजिटिव आती है, क्योंकि एल्किन की हाइड्रोजनेशन होने पर एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, तो 44 का हो गया 3। 45, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एफसीसी पूछ रहा है। अपन पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं जनरली, ये पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगा, तो ये फ्री स्पेस हो जाएगा। सिंपल क्यूबिक में अगर अपन बात करें, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, तो पैकिंग एफिशिएंसी होती है 52% के आसपास, तो यहाँ 48 हो जाएगा। बीसीसी में बात करें तो 68 के आसपास होती है, तो ये 32 हो जाएगा। और एफसीसी में ये 74 होता है, तो वैकेंट स्पेस या फ्री स्पेस 26% हो जाएगा। सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, डेरिवेशन मैंने नहीं बताया, डायरेक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रहना ही चाहिए था ये, तो चलेगा। 46 नंबर क्वेश्चन, द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन फॉर द रिएक्शन, मींस CH4 के चार बॉन्ड ब्रेक किए आपने, हीट ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब होता है वन मोल कंपाउंड में जितने भी बॉन्ड है इनको ब्रेक करके गैसियस एटम बनाने, ये लो। तो आपने चार CH के बॉन्ड ब्रेक किए, तो 4 CH के बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, इतनी। तो एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कितनी देनी पड़ेगी, 416 किलो जूल पर मोल। सेकंड इज द करेक्ट आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। चले आगे, नेक्स्ट 47, इफ ए इज द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए यूनिट क्यूब, द डिस्टेंस बिटवीन द फेस सेंटर्ड एटम एंड वन कॉर्नर एटम, ये लीजिएगा, ये फेस सेंटर एटम एंड ये कॉर्नर के बीच के डिस्टेंस, ये आपसे पूछ रहा है। अपन को मालूम है फेस डायगोनल जो होता है वो √2a होता है, √2a डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा a/√2, a/√2 बोले तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट 48, What will be the enthalpy change for the following reaction? एक reaction दे रखी है, उसका enthalpy change पूछ रहा है। Bond energy का data इस बार given है। Be careful, bond energy kilojoule per mole में, means एक mole के bond की दे रखी है।
अगर अपन इस रिएक्शन की बात करें, H2 प्लस Br2 कन्वर्ट टू HBr, इसका एंथैल्पी चेंज होगा, वो होगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। ये होगा रिएक्टेंट कौन है, H2, H2 की दे रखी है कितनी 435, ये लीजिएगा, प्लस Br2 की दे रखी है 192। HBr में एक बॉन्ड होता है 368, बट 2 मोल दे रखे, 2 × 368, ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये माइनस ये आ जाएगा 109 हो जाएगा माइनस का, 109 माइनस का, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 109 किलो जूल आ जाएगा। ओके, सिंपल सा जो मैंने अभी लास्ट में आपको बताया था कंसेप्ट कि तीन बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में एंथैल्पी पूछे तो ऐसे करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा ऑप्शन नंबर 49। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन थर्मोकेमिकल इक्वेशन व्हिच इज द करेक्ट रिलेशन, तीन थर्मोकेमिकल रिएक्शन दे रखी, इनकी एंथैल्पी चेंज दे रखा, आपसे पूछा है क्या करेक्ट रिलेशन होगा। ढंग से ऑब्जर्व कीजिएगा, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करोगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, मींस हेस का लॉ अप्लाई करना है आपको। इन दोनों इक्वेशन को आप ऐड करते हो तो हाफ ओ टू और हाफ ओ टू 1O2 आ गया, सी ग्रेफाइट आ गया, सीओ से सीओ कैंसिल, सीओ टू आ गया, मींस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स। वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स मींस थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। ये एक्स वाई जेड की जगह आपको कुछ न्यूमेरिकल डेटा दे रखा होता, बस इतना सा डिफरेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिएगा, इन दी फॉलोइंग रिएक्शन ए कन्वर्ट इनटू बी, रेट कांस्टेंट इज 1.2 × 10⁻²⁰ मोलारिटी पर सेकंड, मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ बी आफ्टर 10 मिनट इफ वी स्टार्ट विद 10 मोलर ऑफ ए। देखिएगा, अगर ए कन्वर्टेड इनटू बी है, टी इक्वल टू जीरो टाइम पे आप स्टार्ट करते हैं यहां ए से, ये जीरो, यहां पे आप लिखते हो टी टाइम पे ए माइनस एक्स, तो यहां पे लिखते हो आप एक्स, लिखते हो x। सुनिएगा, आपको मालूम है x इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो ऑर्डर में k नॉट इनटू t, बस k नॉट दे रखा, t दे रखा, k नॉट की वैल्यू कितनी है, सीधा वैल्यू पुट करो t, देखिएगा वहां सेकंड में दे रखा है, यहां पे दे रखा 10 मिनट, ये लीजिए 20 से 20 कैंसिल, 7.2 m, 7.2 m किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, b की, a की पूछता तो 10 माइनस 7.2 2.8 आ जाता। ओके, नेक्स्ट देखिएगा 51 नंबर प्रॉब्लम, फॉर N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट 2 टाइम्स अमोनिया प्लस 22 किलो कैलोरी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ईए इज 70 किलो कैलोरी, हेंस ईए ऑफ 2 टाइम्स अमोनिया कन्वर्टेड इनटू N2 प्लस 3H2। आपने एक बात देखिए, डेल्टा H जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन होता है। ओके, इसका डेल्टा एच आइडेंटिफाई करो, कुछ लोग 22 किलो कैलोरी लिख देंगे, गलत है, इसका डेल्टा एच लिखोगे तो -22 आएगा, क्योंकि +22 का मतलब हीट रिलीज हुई 22, तो डेल्टा एच तो माइनस का 22 आएगा, -22। ये फॉरवर्ड की मान लेते हैं 70 माइनस ईबी, अब आपको वैसे मालूम चला ये बैकवर्ड की होनी चाहिए, आपने रिएक्शन को रिवर्ट किया, बैकवर्ड डायरेक्शन की हुई, अदरवाइज मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता दूंगा, EB is equal to कितना हो गया 92 किलो कैलोरी, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिएगा, आपको पैरामीटर ऐसे था, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये लीजिए, यहां पे रिएक्टेंट है, यहां पे प्रोडक्ट है, ये आपकी हीट ऑफ फॉर्मेशन थी, ये एक्टिवेशन एनर्जी थी, ये वाला जो गैप है, ये वाला जो गैप होगा इट इज द डेल्टा एच, इसका मैग्नीट्यूड 22 है, इसका मैग्नीट्यूड 70 है, जब बैकवर्ड डायरेक्शन की आएगी मींस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाओगे वापस, तो ये वाला गैप कितना हो जाएगा, देखो 92 हो गया, 92, तो बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 92 किलो कैलोरी हो जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, इन द गिवन क्रिस्टल स्ट्रक्चर व्हाट शुड बी द कैटायन एक्स व्हिच रिप्लेसेस Na+2 क्रिएट ए कैटायनिक वैकेंसी। कैटायनिक वैकेंसी तभी क्रिएट होगी जब
अगर एबी टाइप का कोई क्रिस्टल हो उसमें आप एक ऐसा कैटाइन मिला हो जिसमें ए प्लस टू चार्ज हो, ए प्लस थ्री चार्ज हो, इस टाइप से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो अगर ए प्लस टू आएगा तो प्लस का टू चार्ज बढ़ाया तो प्लस का टू चार्ज वापस कम करना पड़ेगा, तो दो ए हट जाएंगे वहां से, दो ए हट जाएंगे तो उसकी जगह ए प्लस टू जाके रिप्लेस कर देगा उसको, एक जगह खाली रहेगी उसे बोलेंगे कैटाइनिक वैकेंसी। तो NaCl में क्या ऐड करना चाहिए, स्ट्रोंसियम प्लस टू, जिससे क्या क्रिएट हो जाएगी कैटाइनिक वैकेंसी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, अरेंज द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोगुलेशन पावर फॉर AH2S3 सॉल्यूशन। कोगुलेशन पावर किसके लिए जो है वो मैक्सिमम आएगी। हार्डी सुजे रूल लगाया अगर अपन, तो देखिए यहाँ पे Cl सब में कॉमन है, इसका मतलब अपन नेगेटिव सोल के लिए बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं, नेगेटिव सोल के लिए। अगर अपन नेगेटिव सोल के लिए बात कर रहे हैं तो कोगुलेशन पावर जो होगी, कोगुलेशन पावर जो होगी वो डायरेक्टली प्रपोजनल टू होगी चार्ज बोलो ऑफ कैटाइन, कैटाइन ये नेगेटिव सोल के लिए बात कर रहे हैं। चार्ज ऑफ कैटाइन सबसे ज्यादा किसमें, Sn प्लस फोर में, ये प्लस फोर में, एल्यूमिनियम प्लस थ्री में, कैल्शियम प्लस टू में, पोटेशियम प्लस वन में, तो सबसे ज्यादा किसकी आनी चाहिए SnCl4 की, आंसर इज फर्स्ट। ठीक है नेक्स्ट देखिए ऑप्शन नंबर 54, व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन log x by m एंड log p, फ्रेंडलिच आइसोथर्म कर्व के से रिलेटेड बात कर रहा है, x by m इज इक्वल टू के पी रेस टू दी पावर 1 by m, log ले लीजिएगा log x by m इज इक्वल टू लॉग के प्लस वन बाई एन लॉग पी, ये बात हो गई। चलिए लॉग एक्स बाई एम इट इज द वाई एंड इट इज द एक्स, तो ये एम हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। ठीक है इट इज ए स्ट्रेट लाइन विथ एंगल 45, एंगल 45 हुआ तो 1 बाई एन होता है टेन थीटा, थीटा की वैल्यू है 45 मीन्स 1 मीन्स एन की वैल्यू हो गई 1, ये लीजिए। एंड इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 0.3010, log k की वैल्यू है 0.3010 मींस k इज इक्वल टू एंटी log हो जाएगा और k की वैल्यू हो जाएगी 2k इक्वल। ओके व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट, ये अमाउंट ऑफ गैस एब्जॉर्ब है पर ग्राम ऑफ द एब्जॉर्बेंट मींस x / n कैलकुलेट करना है, k की वैल्यू 2 हो गई, प्रेशर कितना दे रखा है 0.3 atm, 1 / n, n की वैल्यू 1 तो ये कितना आ जाएगा 0.6, 0.6, बात क्लियर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द हाफ लाइफ ऑफ ए सब्सटेंस इन ए सर्टेन फर्स्ट ऑर्डर ZSM5 कैटलाइज्ड रिएक्शन इज 72 सेकंड। ओके हाफ लाइफ टाइम दे रखी है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस टू फॉल फ्रॉम 2.56 मिलीमोल पर लीटर टू 0.02 मिलीमोल पर लीटर। देखिएगा हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा आप तो ये ध्यान रखना है, हाफ लाइफ टाइम दे रखी है और ये जो है वो इसका 2, 4, 2 times, 4 times, 8 times, 16 times, 32 times, 64 times, 128 का मल्टीपल आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, इसको 2 कंसीडर कीजिएगा, ये 256 है, हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट लगेगा। और इसका कंसेप्ट ये होता है, इसका कंसेप्ट ये होगा AT is equal to A naught 1 by 2 raised to the power T होगा, जो T आएगा यहाँ पे वो होगा time upon half life time, या इसे आप N ले लीजिएगा, इसे आप N ले लीजिएगा, जो time दे रखा upon half life time। अपन को calculate क्या करना है, अपन को time calculate करना है। okay AT की value 0.02, इसकी value क्या दे रखी है 2.56, 1 by 2 की power M, ये हो जाएगा 1/128, 1/2 की पावर n। अगर आप इसे लिखते हो तो इसको लिखोगे 1/2 raised to the power 7, 1/2 की पावर n, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 7, तो टाइम जो आएगा वो 7 इंटू हाफ लाइफ टाइम आ जाएगा, हाफ लाइफ टाइम ये है 504 सेकेंड, ये लीजिएगा करेक्ट आंसर इज 40504 सेकंड आ जाएगा। ओके ये आपको ध्यान रखना है, अगर हाफ लाइफ टाइम का कंसेप्ट लग रहा है तब तो ये हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, the bromination of acetone that occurs in acidic solution is represented by this equation. एक equation के through represent हो रहा है. The rate of the reaction is given as the value of rate constant can be decreased by. Be careful, rate constant की value की बात कर रहा है. Rate constant तीन ही चीजों के ऊपर depend करता है. Temperature, activation energy, means catalyst or activation energy या फिर catalyst, and third, nature of the reaction. अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा, तो डिक्रीजिंग द टेम्परेचर 4 इज द करेक्ट. कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये तीन ही फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है. नेक्स्ट बात करें, आपसे ये पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 57 में. क्वेश्चन नंबर 57 में पूछ रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट इज नेगेटिवली चार्ज. गोल्ड सॉल्ट जो होगा मेटल का और मेटल सल्फाइड सॉल्ट जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. ऑक्साइड एंड हाइड्रेटेड सॉल्ट जो होते हैं वो पॉजिटिव होता है. मिथाइलिन ब्लू पॉजिटिव होता है, सॉरी वहां पॉजिटिव. और हीमोग्लोबिन भी कैसा होता है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट. तो आंसर हो जाएगा फर्स्ट. 58 पूछ रहा है सॉल्ट की डिफेक्ट कौन करेगा. सॉल्ट की डिफेक्ट वही करते हैं जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, और सेकेंड नंबर कैटाइन और एनाइन की साइज में लार्ज डिफरेंस नहीं होना चाहिए. बी केयरफुल, AGBR जो होता है वो शॉर्ट की और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है, तो AGBR इज द करेक्ट आंसर. थर्ड इज द करेक्ट आंसर. ओके नेक्स्ट, बाकी कोई तो कर ही नहीं गया था वहां पे. क्वेश्चन नंबर 59, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोले मीन्स रेट कॉन्स्टेंट है ये. हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर 80 ग्राम टू 20 ग्राम. वापस वही कंसेप्ट आ गया, ठीक है. और आप चाहते हो कि नहीं उस वाले से नहीं करना है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लगा के करना है, ठीक है. इस बार T इज इक्वल टू 2.303 अपॉन K log A नॉट अपॉन AT, इस वाले फॉर्मूले का यूज किया है. अब K का फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो 2.303 इंटू 0.3 अपॉन हाफ लाइफ टाइम होता है, तो हाफ लाइफ. अच्छा, K डायरेक्ट ही दे रखा है क्या आपको? हाँ ठीक है, K का फॉर्मूला दे रखा है 2 × 10⁻²⁻²⁻ log 80/20 4 हो जाएगा, और log 4 की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0.69. 0.69 को मल्टीप्लाई किया 100 से तो 69.3 ये हो जाएगा, सीधे आंसर बनते जाएंगे. इसका डेटा तो आपको याद है 0.69 होता है मल्टीप्लाई. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60. अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इन Ab2 टाइप आयोनिक सॉल्ट हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर. फ्लोराइड स्ट्रक्चर बोले तो CF2 जैसा स्ट्रक्चर है. नंबर ऑफ A+2 एंड B-, इसमें कैल्शियम +2 बोलो या फिर A2+ बोलो, इसके नंबर होते हैं CCP बनाएगा 4, F- बोलो या फिर B- बोलो, ये हो गए टेट्राहेड्रल वॉइड में, ये हो जाएगा 8. ये तो 1 यूनिट सेल में, 5 यूनिट सेल में चाहिए 20 एंड 40 मींस 4th इज द करेक्ट आंसर. सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, देखिएगा. नेक्स्ट, द कोगुलेशन ऑफ लियोफोबिक सॉल्ट कैन नॉट बी कैरीड आउट बाय. कोगुलेशन का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आपको कोलाइड का क्या करवाना है, सेटल डाउन करवाना है, उसे सस्पेंशन में कन्वर्ट करना है एक तरीके से. इलेक्ट्रोफोरेसिस बिल्कुल, उसमें चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिससे कोगुलेशन हो जाएगा. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड प्रोसेस, ये नहीं है, ये तो प्योरिफिकेशन का मेथड है, तो इससे नहीं होगा. एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हार्डी सुधेरु लगेगा, बॉइलिंग के थ्रू भी हो सकता है. सेकेंड तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज द प्योरिफिकेशन मेथड है. 62, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. हेबर प्रोसेस में फाइनली डिवाइडेड आयरन इज यूज्ड एज कैटालिस्ट, बिल्कुल सही है. जियोलाइट आर यूज्ड एज कैटालिसिस इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज फॉर क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही है. इसमें फेमस जो है वो ZSM-5 है. द माल्टोज एंजाइम इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज. माल्टेज एंजाइम होना चाहिए यहाँ पे, माल्टेज एंजाइम is used for the conversion of glucose into maltose, गलत है. maltose को glucose में convert करने के लिए use होता है, ये गलत बोल रहा है. third हो जाएगा, amylase in the presence of sodium chloride
Na plus ion are catalytic amylase in the presence of sodium chloride. It means Na plus ion are catalytically very active. Means यहाँ पे ये coenzyme की बात कर रहा है. NaCl इसके लिए किसकी तरह बात करेगा? Coenzyme की presence में rate of the reaction increase होती है. ये correct है, ये correct है, ये correct है. Third statement is the incorrect. Next 63. Enthalpy change for the reaction 4O gas convert हो रहा है 2O2 gas में is minus 1 kilojoule. Dissociation energy of OO bond. Okay? आप bond energy के terms में बात करना चाहते हो तो यहाँ तो कोई bond है ही नहीं oxygen का. तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जीरो. यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है डबल बॉन्ड, उसकी एनर्जी मैंने एक्स मानी. यहाँ पे ओ बॉन्ड का मतलब ओ डबल बॉन्ड ओ की बात चल रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी 2x. तो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस ए. तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बाई 2 किलो जूल प्लस में. और डिसोसिएशन के लिए देनी पड़ती है तो वो प्लस में ही आएगी. और देखो प्लस में ही आंसर आया. चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64. Which of the following statement is incorrect? O2 is paramagnetic. बिल्कुल O2 is paramagnetic according to molecular orbital theory. हाँ, next MgFe2O4 becomes paramagnetic on heating. ये भी सही है. MgFe2O4 जो होता है वो ferrimagnetic होता है, जिसे आप heat करते हो तो paramagnetic में convert होना start हो जाता है. ये भी सही है. MnO shows ferrimagnetism. ये गलत है, ये antiferromagnetism होता है. तो third is the incorrect. NaCl is diamagnetic. ये भी सही है, इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेड हो रखे हैं. तो incorrect हो गया कौन सा? Third. Third is the incorrect. 64 का third हो जाएगा. 65 नंबर पे बात करते हैं. 65 नंबर पे बात करते हैं. 65 देखिएगा. Consider a first order gas phase reaction. ठीक है, if 10 atm is the initial pressure and 12 atm is the total pressure after 20 minute, the rate constant of this reaction. एक्चुअल में होता क्या है? रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का होता है 2.303 upon time t log a naught upon at. इसकी जगह आप जो है ना p naught upon pt भी पुट कर सकते हैं, but be careful, p naught and pt is the pressure of reactant. टोटल प्रेशर की बात नहीं, ये प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट है. ओके, अब सुनेगा. ये रिएक्शन थी, ए कन्वर्ट हो रहा था बी प्लस सी में, ऐसा था. स्टार्टिंग में ये 10 है, ये 0 है, ये 0 है. 10 माइनस एक्स करोगे, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ एक्स आएगा. तो 10 प्लस एक्स की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? 12. तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2. एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8. एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? 8. वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पे 2.303. टाइम कितना दे रखा है? 20. लॉग पी नॉट की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को? स्टार्टिंग में 10, फाइनल 8. ये दे रखा है 2.303 डिवाइड बाय 10, लॉग 10 बेस पे 10 बाय 8, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66. The change in internal energy if 20 joule of the heat is given to the system at constant pressure and 10 joule of work is done by the system. Simple सा बात है, change in internal energy delta E या delta U बोलो, Q plus W होता है. 20 joule उष्मा दी जाती है, system को उष्मा दी है तो 20 plus का आएगा. दिखाए द्वारा कार्य किया जाता है तो minus 10 आएगा. तो यहाँ पे plus 10 joule internal energy increase हो जाएगी, change हो जाएगी. Okay, next question number 67. Gallium crystallizes in HCP lattice, hexagonal closed packing. If the total number of void in 0.58 gram of gallium is x into 10 raised to the power 21, then value of x is. अच्छा क्वेश्चन है ये. चाहे HCP स्ट्रक्चर हो चाहे CCP स्ट्रक्चर हो, सुनना बात को. मेन एटम अगर 1 होता है, जैसे CCP में मेन एटम 4 होते हैं जो CCP बनाते हैं, HCP में मेन एटम 6 होते हैं. अगर 1 हो तो उस कंडीशन में टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होगी 2, एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो होगी वो कितनी होगी? 1 होगी. ये एज्यूम्शन है, मींस 1 रेस टू 2 रेस टू 1 है. ये तो मैंने एज्यूम्शन मानी है. इसका मतलब पर एटम के लिए, पर एटम
के लिए वॉइड कितनी हो जाएगी, टोटल वॉइड की बात कर रहा हूं, 3 वॉइड पर एटम कितनी वॉइड हो जाएगी, 3। तो सिंपल सी बात है, 0.58 ग्राम गैलियम में कितनी वॉइड होनी चाहिए, तो मैंने कहा 0.58 डिवाइड बाय 70 इनटू आप Na कीजिएगा, इतने नंबर ऑफ एटम हुए गैलियम के, ये तो गैलियम के एटम हुए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा आप इससे 3 से, ये आएगी टोटल नंबर ऑफ वॉइड, ये क्या आएगी, टोटल नंबर ऑफ वॉइड आएगी। ये लीजिए, आप एक काम कीजिए, पहले इसकी पावर 21 लिख दीजिएगा, इसको 58 कर दीजिएगा, इसको ये अप्रोक्सीमेट 4 टाइम्स हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट जो होगा वो देखिएगा 15 टाइम्स के आसपास आ जाएगा, तो 15 × 10^21, तो ये देखिएगा 15 इज द करेक्ट आंसर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। नेक्स्ट 68, फॉर ए रिएक्शन H2 प्लस I2 की रिएक्शन दे रखी है 2HI में, डेल्टा एच दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, द टेंपरेचर एट विच द रिएक्शन विल बी इन इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी अपन को मालूम है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होगा, तो इक्विलिब्रियम टेंपरेचर हो जाएगा डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। यूनिट का ध्यान रखना आपको, ओवरऑल बस ये ध्यान रहे, डेल्टा एच कितना 37.5 किलो जूल मींस 1000 का मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाय 150 कर दिया, अगर ऐसा होगा तो इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये आ जाएगा 250 केल्विन, ये इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, फ्लोकुलेटिंग पावर बोलो, कोगुलेटिंग पावर बोलो, चार्ज जितना ज्यादा उतना सही, तो ये तो करेक्ट है, कोलाइड शो ब्राउनी मोशन, कोलाइड ब्राउनी मोशन भी शो करते हैं, जिगजैग मोशन होता है उसे ब्राउनी मोशन कहते हैं, कोलाइड शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी शो करते हैं, बट इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो आइडियल सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरेटिव में कम होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, पास हो सकता है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से, ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, तो ये कैन नॉट लिख रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, फोर्थ इज द इनकरेक्ट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, अच्छा प्रॉब्लम है 71, इन ए कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर का मतलब है यहां पे जो भी हीट आएगी वो इंटरनल एनर्जी आएगी, एक्चुअल में बॉम्ब कैलोरीमीटर भी जो होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर ही होता है। चलिए 3.5 ग्राम ऑफ ए गैस विद मॉलिक्यूलर मास 28 ग्राम वाज बर्नड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन एट 298 केल्विन, द टेंपरेचर ऑफ द कैलोरीमीटर वाज फाउंड टू इंक्रीज फ्रॉम 298 केल्विन टू 298.45 केल्विन ड्यू टू द कंबशन प्रोसेस, गिवन दैट द हीट कैपेसिटी ऑफ द कैलोरीमीटर सिस्टम 2.5 किलो जूल पर केल्विन, द न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर द एंथैल्पी ऑफ कंबशन of the gas in kilojoule per mole। आपसे ये पूछ रहा है enthalpy of combustion। अब आप कह रहे हो delta U आएगा। चलो पहले delta U तो calculate करो, फिर आगे की बात सोचेंगे कैसे करना है। delta U बोलो, heat बोलो, वो ही बात होगी। heat at constant volume delta U होता है। ये होगा C into delta T के equal। heat capacity कितनी दे रखी है 2.5। delta T कितना आया 0.45। ये कितने ग्राम के combustion से हुआ? 43.5 ग्राम कंबशन। ये कितने ग्राम के कंबशन से हुआ? 3.5 ग्राम के कंबशन से। अपन को कैलकुलेट क्या करनी है? पर मोल। पर मोल बोले तो 28 ग्राम के लिए। ये लीजिएगा। ये सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा 8 टाइम्स। ये 20 और ये आ जाएगा 9 किलो। अब डेल्टा यू है। अब आप सोच रहे हो डेल्टा एच पूछ रहा है ना, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी लगाओ। क्या गैस आपको नोन है? क्या गैस का फॉर्मूला नोन है? क्या जब गैस का फॉर्मूला नोन होता है उसी कंडीशन में एंथैल्पी कैलकुलेट होगी। अदरवाइज इस कंडीशन में मैं क्या कंसिडर करूंगा? डेल्टा यू और डेल्टा एच दोनों क्या होंगे? सेम। तो यह आंसर हो जाएगा 9 किलो। ओके, ये करेक्ट है। अगर फॉर्मूला गिवन होता, जैसे गैस मीथेन दे देता, तो मीथेन का कंबशन लिख के डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर लेता और फिर डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेता। नेक्स्ट 71, फॉर ए रिएक्शन डेल्टा एच
25 kilojoule per mole and delta S 75 joule per Kelvin per mole, the minimum temperature above which the reaction is spontaneous will be. जब भी ये पूछ रहा मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर अबोव विच या बिलो विच मींस इक्विलिब्रियम का टेम्परेचर पूछ रहा है. आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस होता है. ये 25 किलो जूल है तो इसको जूल में कन्वर्ट किया ये आ जाएगा ये आई थिंक 233.3 केल्विन. तो इससे ज्यादा टेम्परेचर रखोगे तो इस रिएक्शन क्या हो जाएगी स्पोंटेनियस हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 72 वापस हेस्लो आ गया एक्स वाई जेड के टर्म्स में. फॉर द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा एच किलो जूल पर मोल में दे रखी है ए टू बी, टू बी कन्वर्ट हो रहा है सी टू डी, ई प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है थ्री सी और आपको रिएक्शन ये डिजायर्ड है. सबसे फर्स्ट नंबर चीज देखना ए एक ही बार आ रखा है फर्स्ट रिएक्शन में और यहां पर टू ए चाहिए इसका मतलब इसको टू से मल्टीप्लाई करना है. डेल्टा एच इज इक्वल टू टू से मल्टीप्लाई करना है मींस माइनस का 2x हो गया सबसे पहले. ठीक है आपको पढ़ने का अप्रोच जो मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है. रिएक्शन है लिखनी नहीं वहां पे अलग से वापस माइनस का 2x आ गया. अब आप ये सोचे कि ई ए की तो बार आ रहा है देखो ई ए की बार आया और वो भी रिवर्ट करके गया. रिवर्ट करके गया इसका मतलब इसको उल्टा कर दो लाप्लास लेवोशियर इक्वेशन या लाप्लास लेवोशियर लॉ लगने वाला है तो माइनस जेड को प्लस जेड कर दिया क्योंकि रिएक्शन रिवर्ट होने वाली. ओके अब डी कहां पे आ रहा है डी भी एक ही बार आ रहा है डी एक बार आ रहा है वो इधर है प्रोडक्ट साइड में और इधर भी प्रोडक्ट साइड में. ओके इसको थ्री से मल्टीप्लाई किया हुआ है थ्री से मल्टीप्लाई किया हुआ है ये भी बस आपका काम हो गया. अब आपको कुछ नहीं करना है जेड माइनस टू एक्स माइनस थ्री वाई करेक्ट आंसर इज द 4. सर बी वगैरह के बारे में अरे सोचने की जरूरत नहीं है अगर डी को मैंने मल्टीप्लाई थ्री से किया तो 100% बी को भी थ्री से मल्टीप्लाई किया होगा तो यहां पर 6b बना होगा इस साइड में उधर बन गया इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2b इस रिएक्शन को रिवर्ट किया तो b चला गया उधर 6b में से 3b जाएगा तो 3b बचना चाहिए देखो ये बचा हुआ उसके बारे में नहीं सोचे जहां से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से अप्लाई करें. ओके तो आंसर हो जाएगा 4. 73 ये इसका वन ऑफ द बेस्ट इस टॉपिक में इस टेस्ट में वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम. एक और एक मैंने आपको पहले भी बोली थी डेल्टा जी और एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की बात हुई थी ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. मैं इसका बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड बताने वाला हूं सिंपल सा. हाफ लाइफ टाइम ऑफ टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दे रखी है 54 और 18 मिनट स्टार्टिंग विद इक्विमोलर क्वांटिटीज ऑफ ए एंड बी डिटरमाइन द टाइम आफ्टर व्हिच ए इक्वल टू 16 टाइम्स बी हो जाए मींस बी की कंसंट्रेशन ए का 1/6 हो जाए चलेगा. देखिए दोनों की हाफ लाइफ टाइम दे रखी है ये ए के बारे में बात करते हैं ये बी के बारे में बात करते हैं. इधर ए का लिया स्टार्टिंग में 1 इसका भी ले लो 1 ये एक हाफ लाइफ टाइम चला दो तो ये 1/2 हो जाएगा. एक हाफ लाइफ टाइम का मतलब 54 मिनट तो यहां पे बी के लिए 54 मिनट में 3 हाफ लाइफ टाइम होगी तो 54 मिनट में 3 हाफ लाइफ टाइम होगी तो 1/2 फिर 1/4 1/8 ये हो गया. अभी देखो ये इसका 4 टाइम्स ये 16 टाइम्स नहीं एक काम करो तो 54 मिनट तो करेक्ट आंसर भी होगा 108 पे जाओ इसका मतलब 54 और चलाना है ये लो ये 1/4 हो जाएगा. 54 का मतलब 3 हाफ लाइफ टाइम और चले 1/16 1/32 1/64 ये देखिएगा ये 1/4 है ये 64 है तो यहां पे a जो होगा वो 16 टाइम्स b हो गया मतलब 54 और 54 कितना 108 मिनट के बाद ये लो आंसर हो गया. ठीक है चले आगे नेक्स्ट 74 द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन गिवन इन द फॉलोइंग डायग्राम फॉर एडसॉर्प्शन इज log x by m और log p के लिए ग्राफ दे रखा है स्ट्रेट लाइन आएगा अपन ने पहले ही बात कर चुके हैं log x by m is equal to log of the k plus 1/n log of the p होता है फ्रेंडली आइसोथर्म का इसकी स्लोप 1/n होती है और 1/n की वैल्यू 0 से लेके 1 तक वेरिएबल होती है. फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. 75 ये भी अच्छा क्वेश्चन देखिएगा फॉर ए जनरल रिएक्शन स्मॉल a कैपिटल a प्लस b कन्वर्ट हो रहा है c प्लस d में log k वर्सेस 1/t का ग्राफ दे रखा है स्लोप दे रखी है माइनस का 10,000 If rate constant at 500 Kelvin is 10 raised to the power minus 5,
देन टेम्परेचर एट विच के इज 10 रेज टू द पावर माइनस 4, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो देखिएगा क्या होगा। अपन को आइडिया है कि k इज इक्वल टू होता है आरएनएस इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस ई ए बाई आर टी, लॉग k इज इक्वल टू लॉग ऑफ द ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 बाई टी, ये होता है। ये स्लोप ये बनेगी इसकी, इसकी वैल्यू दे रखी है, ये स्लोप माइनस के साथ बननी चाहिए थी, ये लो। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ईए बाई 2.303 की वैल्यू हो गई 10,000। अब अपन को मालूम है दो डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट का कंपैरिजन करना है, तो फॉर्मूला एक ही है, लॉग के टू बाई के वन इज इक्वल टू ईए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी 1 माइनस 1 अपॉन टी 2। आपसे पूछ रहा है कि के टू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 है, इसे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 4 रखिएगा, इसे 10 रेज़ टू द पावर माइनस 5 रखेंगे तो ऊपर जाएगा तो 10 बचेगा, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, इसको आप कीजिएगा 10,000, ये लो 1 अपॉन टी 1 500 केल्विन दे रखा है, तो ये हो जाएगा टी 2 माइनस 500 अपॉन टी 2 इंटू 500, ये हो जाएगा 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 19T2 is equal to 10,000, तो T2 is equal to 10,000 divided by 19 आ जाएगा, ये आएगा टेम्परेचर में, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, इसको आप सोल्व करेंगे तो इसमें अपना आंसर बन जाएगा आई थिंक 526.3 केल्विन बनना चाहिए, 526.3 केल्विन बन जाएगा, ओके हाँ ये बनेगा, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 वन मोल ऑफ आइडियल गैस एट 300 केल्विन इज एक्सपांडेड आइसोथर्मली फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर टू 10 लीटर द डेल्टा एच फॉर दिस प्रोसेस, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एम आर टी, ये प्रोसेस है, डेल्टा यू आइसोथर्मल का अभी मैंने बोला था जीरो होता है, डेल्टा टी भी जीरो होता है, तो डेल्टा एच कितना हो जाएगा जीरो, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 77 एट 300 केल्विन द हाफ लाइफ ऑफ सैंपल ऑफ गैसेस कंपाउंड इनिशियली एट 1 एटीएम इज 100 सेकंड, व्हेन द प्रेशर इज 0.5 एटीएम द हाफ लाइफ इज 50 सेकंड, प्रेशर को आधा किया हाफ लाइफ टाइम आधा, इसको मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मींस जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके चलिए। नेक्स्ट 78 ये नीट 2020 का क्वेश्चन था, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन द गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 2×10⁻³⁰ एट 300 केल्विन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी एट द सेम टेंपरेचर, डेल्टा जी नॉट जो होता है वो होता है माइनस RT LM K इक्विलिब्रियम, जूल में चाहिए तो 8.314, टेम्परेचर 300 केल्विन, LM 2×10⁻³⁰, ये कहां पे दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 79 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंथैल्पी एंट्रोपी एंड हीट आर स्टेट फंक्शन, एंथैल्पी ही स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी ऑल्सो इज स्टेट फंक्शन बट हीट इज नॉट स्टेट फंक्शन, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, डेंसिटी प्रेशर टेम्परेचर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी सही, रेजिस्टेंस पीएच एंड ईएमएफ ऑफ द सेल आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस ओनली फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये दोनों तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो ये भी रॉन्ग हो गया। मोलर हीट कैपेसिटी इज इनफाइनाइट व्हेन आइस कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार, ये भी करेक्ट है। मोलर हीट कैपेसिटी आपको बोला था Cm इज इक्वल टू डेल ऑफ द क्यू बाई dt, जब ये फेज कन्वर्जन होता है तो कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, ये 0 हो गया, 1 अपॉन 0 क्या होगा इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी आएगा, b एंड d करेक्ट हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 Which of the following statement is correct? Adsorption is endothermic process. गलत है। Adsorption जब भी होता है तो heat release होती है, exothermic process होता है।
ड्यूरिंग एडजॉर्प्शन एंट्रोपी इंक्रीजेस, एंट्रोपी गैस की डिक्रीज होगी, ये भी गलत है। फिजिकल एडजॉर्प्शन इज डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो एक्सोथर्मिक में एरो जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, मींस टेम्परेचर इंक्रीज करोगे के इक्विलिब्रियम डिक्रीज होगा, मींस एडजॉर्प्शन से वापस डिजॉर्प्शन की तरफ जाओगे फिजिकल एडजॉर्प्शन डिक्रीज होगा, तो ये करेक्ट हो गया। इन केमिकल एडजॉर्प्शन हीट ऑफ एडजॉर्प्शन इज लो, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन लो नहीं होती है, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होती है, हाई होती है। ओके, ये अपना पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ, अच्छे से आप इसे वापस एक बार देख ले, ठीक है, जो भी डाउट हो उनको क्लियर कर ले पूरे वीडियो में आपको, और पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस करवाया हुआ है। अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं कर रखा है तो उसे फॉलो कर ले, जिससे आगे वाले टेस्ट पेपर भी आपको सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिलते रहे। ओके, थैंक यू।